क्वेश्चन सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या देखा जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमें कैसे लगाने हैं, एलोकेशन। तो इसमें बेसिकली तीन आ जाते हैं आपके। पहला आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें इसमें होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स, इसमें होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ गुड्स में आ जाता है आपका कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली आपका प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। और प्रोड्यूसर गुड्स आपका बेसिकली होता है फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एग्जांपल अगर हम इसमें लें, क्लोथ्स, ब्रेड्स, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं। और फ्यूचर नीड्स में अगर हम एग्जांपल लें तो मशीनरी वगैरह, ये सब एग्जांपल इसमें हो सकते हैं। तो पहली हमने प्रॉब्लम पढ़ी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली आपकी प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक बेसिकली आपका क्या होता है कि आपको बनाना कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। तो इसमें दो टेक्निक आप चूज कर सकते हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरी आप टेक्निक चूज कर सकते हो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहाँ चूज की जाती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहाँ चूज की जाती है जहाँ पे लेबर रेट सस्ता होता है, जहाँ पे लेबर रेट सस्ता होता है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाई होता है। जैसे अंडर डेवलप कंट्री के अंदर, अंडर डेवलप कंट्री के अंदर, अंडर डेवलप कंट्री के अंदर लेबर लेबर इंटेंसिव टेक्निक कैन बी टेकन फॉर लो कॉस्ट। ठीक है जी, इससे होता क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है, इसीलिए ये टेक्निक चूज की जाती है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वहाँ चूज की जाती है जहाँ पे लेबर रेट तो महंगा होता है, एजुकेटेड होते हैं, और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंपैरेटिवली लो होता है। कहाँ पे चूज की जाती है, बेसिकली ये आपकी डेवलप्ड कंट्री के अंदर चूज की जाती है। और इससे होता क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमने सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस की हाउ टू प्रोड्यूस, अब हम थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाना चाहिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, किन के लिए बनाना है, या तो रिच पर्सन के लिए बनाना है, या तो रिच पर्सन के लिए बनाना है या पुअर पर्सन के लिए बनाना है। अगर आप रिच पर्सन के लिए बनाते हो तो उसमें उसमें क्या होगा कि उसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी। रिच पर्सन बढ़ाओ के लिए बनाओगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, मशीनें एस्टेब्लिश होगी। और अगर आप पुअर पीपल के लिए बनाओगे तो उससे इक्वलाइजेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, तो उससे एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी, एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि आप लो क्वालिटी का और लो कॉस्ट का प्रोडक्ट बनाओगे तो उससे इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। तो ये था सिलेक्शन रिच या पुअर के केस में। और इसमें हम और कर सकते हैं, अगर हम एज वाइज देखें तो एज वाइज के लिए, किड्स के लिए बनाना चाहते हो आप, या यंग एज के लिए बनाना चाहते हो, या फिर ओल्ड एज के लिए बनाना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। या फिर आप जेंडर वाइज देखो तो जेंडर वाइज आप बना सकते हो, मेल के लिए, फीमेल के लिए। ओके, तो इस तरह से आप तीन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो पहली प्रॉब्लम है आपके पास व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाना है। फिर इस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन। इसमें से एग्जाम में आता ही आता है एक प्रॉब्लम। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे पास,
पीपीसी कर्व। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीसी। इसको बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम से किसी भी तरह से आ सकता है एग्जाम में। तो हमें इसमें बेसिकली स्टेप्स क्या यूज़ करनी है, तो इसमें आंसर में आपको बेसिकली इसके सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। आंसर में आपको पहले इसका मीनिंग लिखना है, सबसे पहले पीपीसी का मीनिंग क्या है, फिर आपको इसकी अजम्पशन लिखनी है, फिर आपको इसका शेड्यूल बनाना है, टेबल कह लीजिए, शेड्यूल या टेबल बनाना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल बनानी है आपको। तो हम पहले मीनिंग से शुरू करते हैं, पीपीसी का मीनिंग क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी शो करता है, कर्व होता है, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटी शो करता है जो हम बना सकते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर हम इसका मीनिंग डिस्कस करें, पीपीसी इज दैट कर्व विच शो जो हमें दिखाता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है हमें ये कर विद द गिवन रिसोर्सेज क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए। ओके, तो ये हमारा बेसिकली मीनिंग था कि पीपीसी का मतलब क्या होता है। पीपीसी इज दैट कर्व, ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है दो गुड्स के। ओके, अजम्पशन क्या हो सकती है, अजम्पशन मतलब क्या होता है कि हम ये कर्व बनाते वक्त एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा तो होगा ही। तो इसमें आप बेसिकली ये मान लोगे कि इसमें पहली अजम्पशन ये ले लोगे कि इसमें ओनली टू गुड्स हैं, दो से ज़्यादा गुड्स नहीं है, पहली अजम्पशन तो आप यही ले लोगे। और दूसरी अजम्पशन ले लोगे नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये अजम्पशन तो हर एक में ही हर चैप्टर में है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। और थर्ड पॉइंट आप ले लोगे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ओके, तो बेसिकली आपका इसमें होता क्या है कि आप मीनिंग और अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम इसमें टेबल बनाना सीखेंगे कि इसमें शेड्यूल कैसे बनता है पीपीसी के अंदर। इसमें बेसिकली आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लेने हैं, कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं हम इसके अंदर, कॉम्बिनेशंस दो प्रोडक्ट ले लेते हैं हम इसके अंदर, दो प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी दो प्रोडक्ट ले लीजिए आप, एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट, और जो उनमें चेंज आएंगे वेरिएशंस आएंगे उसको हम डिनोट कर लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किस नाम से लिख लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कई सारे, ABCDE कॉम्बिनेशन बना लेते हैं एक्स का। वो देखिए मान लीजिए हम एक्स प्रोडक्ट बना रहे थे और वाई हम बना रहे थे जीरो। ओके, हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे, हम पूरे रुपए एक प्रोडक्ट पे लगा रहे थे। अगर हमें एक का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। ओके, और अगर हमें तो इसमें कितने का चेंज आया,
वन सेक्रीफाइस रेशो वन गेन, ठीक है। अगर हमें फिर इसका और प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर हमें इसका और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें इसको और तेजी से कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस आ गया टू और गेन आ गया वन। और अगर हमें इसका और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें इसको और तेजी से डिक्रीज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया थ्री सेक्रीफाइस वन। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको दूसरे को ज़्यादा तेजी से सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया फोर रेशो वन। तो यहाँ पे MRT जो ऐसा इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, इस वजह से जो आपका जो ये डायग्राम बनता है, PPC का डायग्राम बनता है, वो किस तरह से बनता है? बेस में आप ले लीजिए, बेस में आप ले लीजिए वाई प्रोडक्ट और यहाँ पे ले लीजिए एक्स प्रोडक्ट, ओके। अब आप प्लॉट कर लीजिए, पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, देख लीजिए इस तरह से आपका ड्रॉ होगा, ये इस तरह से ड्रॉ होगा। आप यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे बी कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे सी कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे डी कॉम्बिनेशन आएगा और यहाँ पे ई कॉम्बिनेशन आएगा आपके, ओके। तो अब देखिए क्या होता है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका बेसिक सा रीज़न ही यही है कि अगर आपको एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको दूसरे का प्रोडक्शन डिक्रीज करना ही पड़ेगा, ओके। इसी वजह से MRT क्या होता है, ये हाँ जी। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी होती है इसकी बेसिकली, तो हमने पहला मीनिंग सीखा, दूसरा अजम्पशन, तीसरा टेबल बनाना, फोर्थ हमने इसका डायग्राम सीखा। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट सीखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी कह लीजिए PPC की, बहुत इंपॉर्टेंट है, या करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए आप, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPC। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहली करेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है। क्यों आता है डाउनवर्ड ये लेफ्ट टू राइट? बिकॉज अगर हमें, आपको यही लिखना है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों आता है? बिकॉज अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, वी हैव टू सेक्रीफाइस द अनदर वन, तभी ये डाउनवर्ड आता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि ये कनकेव होता है। क्या होता है? ओरिजिन के सामने क्या होता है? कनकेव होता है। कनकेव क्यों होता है? बिकॉज, टेक्निकली वर्ड यूज करोगे आप, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वजह से ये कनकेव शेप में आता है, ओके। तो आपने PPC के अंदर 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, मीनिंग, अजम्पशन, टेबल, डायग्राम और फिर इसकी प्रॉपर्टी, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इसको बेसिकली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, MRT को बेसिकली आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाई गेन, चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाई चेंज इन गेन। 1 / 1 = 1 होगा आपका, 2 / 1 = 2 हो जाएगा, यहाँ पे लॉस कितना हुआ, 3 / 1 = 3 हो जाएगा, 4 / 1 = 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलता है। अभी हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे इसको। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है बेसिकली आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जब हम इसके अंदर बेसिकली आपका क्या टॉपिक है अभी छोटा सा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आपका, कि अगर हम किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं तो उसके लिए हम दूसरे ऑप्शन को सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो हमने सेक्रीफाइस किया है वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अगर हम इसमें एग्जांपल लें, अगर हम इसका मीनिंग लिखें, वैल्यू ड्राइव फ्रॉम सेक्रीफाइजिंग फैक्टर, तो हमें सेक्रीफाइसिंग फैक्टर से कितना बेनिफिट मिलने वाला था, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल लें, मान लीजिए जॉब के दो ऑप्शन थे, जॉब 1 एंड जॉब 2,
और इसमें आपके पास एक ऑप्शन था 30,000 रुपये सैलरी का, एक ऑप्शन था 35,000 रुपये सैलरी का। आपने चूज़ किया 35,000 रुपये वाली सैलरी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन जाएगा? 30,000 रुपये। इसमें अगर हम और एग्जांपल ऐड कर लें, मान लीजिए जॉब 3 है 25,000 रुपये की, ओके, तो आपने चूज़ किया 35,000 रुपये का, आपने ऑप्शन चूज़ किया जॉब का, आपने सेक्रीफाइस कौन से ऑप्शन किए, जॉब 1 और जॉब 3, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाएगा आपका? बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जो इन दोनों में जो सेक्रीफाइस में जो बेस्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा, ओके। तो ये छोटा सा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली आपका ये होता है कि आपने किस रेट से सेक्रीफाइस किया, किस रेट से आपने सेक्रीफाइस किया, वो आपका क्या कहलाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है आपका बेसिकली। इसके अंदर ये इंक्रीज होता है 1, 2, 3, 4, इस वजह से पीपीसी क्या होता है? कनकेव शेप में बनता है, ओके। और भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि पीपीसी में रीज़न क्या क्या होते हैं, पीपीसी के रीज़न क्या क्या होते हैं, पीपीसी चेंज होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने अभी कि पीपीसी के रीज़न क्या क्या होते हैं। कि देखिए बना लेते हैं डायग्राम। देखिए मैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री था आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। What are the reasons? PPC change होता है। PPC देखिए चार तरह से change हो सकता है। PPC चार तरह से change हो सकता है। एक तो आगे की तरफ change हो सकता है, rightward shift हो सकता है। दूसरा change हो सकता है वो downward change हो सकता है, downward change हो सकता है, downward ऐसे change हो सकता है downward। और तीसरा वो हो सकता है, तीसरा वो हो सकता है सिर्फ वन साइडेड, सिर्फ वन साइडेड भी वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके रीज़न क्या है, रीज़न रीज़न क्या है पीपीसी के अपवर्ड डाउनवर्ड और वन साइडेड रोटेशन के चांसेस क्या क्या है? तो पहला रीज़न इसका बन सकता है इंक्रीज इन रिसोर्सेज। पहला इसका रीज़न बन सकता है इंक्रीज इन रिसोर्सेज। तो अगर रिसोर्सेज अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है, पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है अगर आप रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हो। और एग्जांपल अगर हम लें इसका, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में आप इम्प्रूवमेंट करते हो तो आपका जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। थर्ड एग्जांपल अगर हम इसमें लें, स्किल डेवलपमेंट की जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे क्या होता है, डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे स्किल इम्प्रूव होगी पब्लिक की, और उससे क्या होगा कंट्री का पीपीसी क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। इस तरह से अगर हम इसमें फोर्थ एग्जांपल लें, एजुकेशन फॉर ऑल, इस तरह के प्रोग्राम से भी पीपीसी क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। एग्जाम में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वो पूछ सकता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा पीपीसी के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट आप उन्हें इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्लीन इंडिया कैंपेन। तो इस तरह के प्रोग्राम से पीपीसी क्या होता है बेसिकली आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और अगर हम इसमें और डिस्कस करें, योगा एनहांसमेंट प्लान्स, तो इससे भी क्या होता है आपका बेसिकली एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, क्या होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो पीपीसी आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और भी हम इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान।
इसमें एग्जांपल हो सकते हैं मेक इन इंडिया, एक और एग्जांपल इसमें बन सकता है मेक इन इंडिया। ओके, तो इस तरह के एग्जांपल्स में से कोई भी एक एग्जांपल आपसे वो पूछ सकता है कि इसका क्या इफेक्ट होगा पीपीसी के ऊपर। अब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं कि इसके रीज़न क्या है कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये क्या है, पीपीसी क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इसके रीज़न क्या क्या हम दे सकते हैं। पहला हम दे सकते हैं इसमें रीज़न डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो उस वजह से भी पीपीसी क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सेकंड हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का ऑब्सिलेंसन होना, कि मान लीजिए आउट ऑफ फैशन होगी टेक्नोलॉजी, या डिक्रीमेंट होना, टेक्नोलॉजी का डिक्रीमेंट होना, थर्ड हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिससे पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ठीक है, तो उससे भी आपका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो आपका प्रोडक्शन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। और अगर हम इसमें और एग्जांपल लें, माइग्रेशन का एग्जांपल हो सकता है, या फिर वॉर, टेररिज्म, इस तरह का भी प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो पीपीसी है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब हम सीखते हैं रोटेशन। रोटेशन किस वजह से होती है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे वाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रोटेशन किस वजह से होती है। अब अगर मान लीजिए प्रोडक्शन इसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, वाई की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी ऑफ वाई प्रोडक्ट, तो उस वजह से इसका प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, और अगर मान लीजिए वाइस वर्सा, अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसके रीज़न क्या होगा, इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी ऑफ एक्स। तो इस तरह से रोटेशन होती है, इसको बोलते हैं रोटेशन। ओके, इन दोनों को बोलते हैं शिफ्ट होना। ओके, और एक और इसी के अंदर पॉइंट बन सकता है, बेसिकली आपका क्या पॉइंट बन सकता है, नो चेंज इन पीपीसी। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें पीपीसी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन पीपीसी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, उस केसेस में पीपीसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो अनएम्प्लॉयमेंट इरिडिकेशन प्रोग्राम, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप कोई एफर्ट नहीं लगाते। तो बेसिकली हमने कई सारी बातें डिस्कस की चैप्टर टू की। पहली बात डिस्कस की कि तीन प्रॉब्लम है, व्हाट, हाउ और हुम। फिर हमने डिस्कस किया पीपीसी को लिखना कैसे है। फिर हमने डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर हमने रीजंस देखे कि पीपीसी कैसे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है इन रीजन की वजह से। ओके, गुड बाय। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।